धर्मपद गाथा नंबर 46:46। मारीची कम ठानिक स्थिवर, मारीचिक कम ठानिक स्थिवर, यानी कि उस भिक्षु का नाम है, भंते का नाम है जिसके ऊपर ये कथा पड़ी हुई है। कथा सावित्री की है। सावित्री में एक बार एक भिक्षु भगवान बुद्ध से सारी साधना विपसना सीखने के बाद में एक एकांत रास्ते में चला गया, एकांत जगह चला गया जहां उसकी साधना विपसना में ज्यादा परेशानी ना आए और वो अपनी साधना विपसना में निरंतर लगातार प्रगति करता रहे और कोई बाधा उसको उत्पन्न ना हो। मगर जब वो वहां जाके बैठा तो उसका ध्यान नहीं लगा, उसका मन बड़ा चंचल हो गया, अस्थिर मन हो गया, इनबिलेंस हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो जब ज्यादा देर हो गई और बहुत परेशान हो गया वो, तो वो वापस भगवान बुद्ध के पास में समस्या का हल जानने के लिए वापस वहां से चलने लगा। रास्ते में जो अचिरवती गंगा है वो पड़ी। अचिरवती गंगा मतलब जितनी भी रिवर होती थी उस समय उनको पाली भाषा में गंगा बोलते हैं। नाम उसका अचिरवती था। अचिर का मतलब है जो चिर तक ना रहे, यानी कि 24 घंटे और 12 महीने ना बहती हो। जो चिर होती है, चिर का मतलब है हमेशा बहने वाली, और अचिर का मतलब है वर्षा वाली रिवर, जिसमें बारिश होगी तो पानी आएगा, अगर बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं आएगा। तो अचिर थी वो, यानी अचिरवती जो गंगा थी। जब वहां पहुंचा तो उस समय उसमें पानी था, तो वो देखता है कि पानी में जो फेणु है, फेणु माने फैन, फैन का मतलब होता है बुलबुले, यानी बबल, जो झाग बनते हैं, यानी पानी में लगातार पानी के बुलबुले, झाग और फैन बन रहे हैं, और जितनी तेजी से वो बन रहे हैं उतनी तेजी से ही वो नष्ट भी हो रहे हैं। लगातार पानी गिर रहा है, झाग बन रहे हैं, बुलबुले बन रहे हैं, और वो लगातार लगातार खत्म भी होते जा रहे हैं। इसको वो बड़े ध्यान से देखता है, ये बात उसे कुछ कमाल की सी लगती है। उसके बाद वो वहां से आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद वो देखता है कि काफी दूर चलने के बाद में उसको प्यास लगनी शुरू होती है। तो प्यास लगने में वो पानी को इधर उधर घूमता है, और वहां अगर आप वहां की भूमि देखें, भौगोलिक स्थिति देखें, तो वहां पत्थर पहाड़ ज्यादा हैं, पेड़ वेड़ कम दिखाई देते हैं। तो सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो पड़ते समय वो ऐसा रूप बदलती है, जब उससे परिवर्तित होती है तो ऐसा लगता है जैसे पानी की तरंगे वहां पर हैं या पानी हिल रहा है। इसको पाली भाषा के अंदर मरीची बोलते हैं, यानी जहां जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश में जो परावर्तित किरणें उत्पन्न होती हैं, जो परावर्तित किरणें व्यवहार करती हैं सूरज की रोशनी के साथ में, तब उस व्यवहार से ऐसा लगता है कि जैसे वहां पानी सा छल छला रहा है, पानी सा हो रहा है। इसको पाली के अंदर, क्योंकि मरीची जो शब्द है वो पाली का है, तो उसे वहां मरीची जैसा धम लगा, यानी कि मरीची का वहां पे व्यवहार लगा। तो पानी के लिए जब वो वहां पहुंचा तो वहां उसे कुछ नहीं मिला, सूरज की किरणें थी। तो उसे ये बात भी बड़ी अजीब लगी कि सामने ऐसा लगता है कि जैसे पानी है, और जब वो पानी के लिए आगे बढ़ता है तो वहां उसे पानी नहीं मिलता। फिर थोड़ा आगे जाके लगता है कि जैसे यहाँ पानी है, पानी उसे वहां भी नहीं नहीं मिलता। तो ये मारीची का जो धम्म था ये उसने देखा, बड़े ध्यान से इसको जाना। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा, उसने देखा एक पेड़ के अंदर बड़े सारे फूल हैं जो पूरी तरह से फूले हुए हैं, यानी खिले हुए हैं। और उसने वो फूलों को ध्यान से देखा कि उसमें कुछ फूल पिचक भी रहे हैं, मुरझा भी रहे हैं। और ये सारी बातें करता हुआ वो भगवान बुद्ध के पास में पहुंच गया। पहुंचने के बाद उसने अपनी सारी बातें बताई। बताने के बाद में उसने अपने रास्ते का एक्सपीरियंस भी बताया कि मैंने पानी के बुलबुले देखे, मैंने वहां पर जो मारीची है, मारीची का धम्म भी देखा, और मैंने वहां पर फूल भी देखे जो बड़े अच्छे फूले थे, जो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे, और मैं उनकी तरफ खिंचा हुआ चला गया फूलों को देखने के लिए। ये बात जब उसने भगवान बुद्ध को बताई तो भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही। भगवान बुद्ध की एक बड़े कमाल की बात है कि वो सभी को एक ही बात समझाते थे कि जीवन कैसे काम करता है, मृत्यु कैसे काम करती है, मगर पूरे 45 साल में उन्होंने दसियों हजार तरीके से सभी आदमियों को बड़े प्राकृतिक रूप से जो उदाहरण हैं, जो उपमाएं हैं, जो एग्जाम्पल हैं, जो एक्सप्रेशन हैं, उनको दे देकर समझाते थे। और खास तौर से जिस व्यक्ति का ध्यान जिस चीज में होता था उसी की वो उपमा बना देते थे, उसी का एग्जाम्पल बना देते थे। यहां भी इस गाथा में उन्होंने जो वो उनका जो शावक था, जो उनका शिष्य था, जो वो देख के आया, उसी को उन्होंने उपमा में बदल दिया और तब ये गाथा कही। गाथा इस प्रकार है। फैणुपमन काया निमन विदित्वा मरीची धम्मन अभी स
शंभु धानो, छेतवान मारस्य, पैफुफ कानी, एदस्सनंग मच्चू राजस्य गछे, फेणु उपमंग काया मिमंग विदित्वा। फेणु उपमंग एक शब्द है, ये इसको फेणु उपमंग बोलते हैं, वैसे फेणु और उपमंग करके। तो फेणु उपमंग का मतलब है कि झाग और जो बुलबुले आ रहे हैं, जो फैन आ रहे हैं, पाली में फैन बोलते हैं, फैन बोलते हैं, आज भी पंजाब के अंदर कहते हैं इसमें बड़े सारे फैन बन गए, ये बड़े सारा जो पानी इसमें फैन आ गए, या जो कपड़े धोते हैं कहते हैं इसमें फैणु है। और फैणा करके एक झाग बनाने का एक पाउडर भी आता है जो कहते हैं फैणा, फैणा के नाम से आता है, जो बर्तन धोने का कपड़े धोने का पाउडर है जिसमें झाग होते हैं, वो उसी शब्द बना हुआ है, पाली का शब्द है। तो फैणु की उपमा देते हैं, कहते हैं कि फैणु उपमंग काया मिमंग विदित्वा। काया मिमंग का मतलब है कि ममंग माने अपनी और काया माने शरीर, अपने शरीर को विदित्वा माने जानो, ऐसा जानो, जानकर कैसे, जैसे पानी के बुलबुले हैं, यानी कि ये शरीर आपका कुछ समय तक रहेगा, जैसे पानी का बुलबुला कुछ सेकंड तक रहता है, ऐसे ही दुनिया के अंदर ये शरीर कुछ समय तक रहेगा, ऐसा जान के समझो इस शरीर को। मरीचि धम्मंग अभी शंभु धानो, मरीचि धम्मंग यानी मरीचि का धम्म समझो। मरीचि का धम्म क्या है? मरीचि का धम्म यह है कि आपको बार बार ये भ्रम होता है कि पानी है जबकि पानी नहीं है, ये मरीचि का धम्म है, इसको समझो। कि सब दुनिया में ऐसा ही लगता है कि व्यक्ति को हमारा जीवन हमेशा रहेगा रहेगा, या हम अपने जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित समझते हैं, जबकि जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये झूठ है, यानी कि जो हम समझते हैं कि जीवन सत्य है, शरीर सत्य है, परम सत्य है, ये तो सत्य नहीं है, ये नष्ट होगा और ये धीरे धीरे खत्म भी हो रहा है, ये अनिच्य है, अनित्य है, ऐसा जानो। जैसे जो प्रकाशी किरणें आपका व्यवहार करती हैं, लगता है कि पानी है, वस्तु वहां पानी नहीं होता। अभी शंभु धानो, अभी शंभु धाने मतलब पूरी तरह से इसको जानो। फिर वो कहते हैं छेतवान मारस्य पैफुफ कानी, छेतवान, आपने एक शब्द सुना होगा इसको छेत दे, इसके गाल छेत दे, या उसने मुझे छेत दिया, या उसको छेत किया, ये जो छेतना होता है यानी कि इसको मार किया, इसको पीट किया, इसको काट किया, ये पाली का शब्द है। पाली में छेतवान का मतलब है छेत माने काट कर, यानी कि काटना, खत्म करना। तो आज भी कहते हैं जैसे प्याज को छेत दे, या जो लहसुन है उसको छेत दे, ये छेतना शब्द आज भी चलता है, ये वही पुराना पाली का शब्द है। छेतवान मारस्य पैपुफ कानी, मारस्य का मतलब है मार के लिए, और पैपुफ कानी का मतलब है कि जैसे फूल अपनी तरफ खींच रहा है रास्ते में जब वो जा रहा था, ऐसे ही मार जो है वो छेतने के लिए, मारने के लिए अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है। यानी कि ये जो प्रपंच है जीवन में, ये सारा का सारा आपको जितने राग और जो द्वेष हैं, ये फूल की तरह हैं, जैसे फूल आकर्षित होता है और वो अपनी तरफ खींचता है, ऐसे ही ये मार का फूल है राग और द्वेष, इसमें जब आप फंस जाते हो, उसको देखते हो और इसकी चमक धमक देखते हो, तो आप इसकी तरफ खींचे चले जाते हो। जैसे शराब की चमक है, शराब में आपने देखा होगा कि बोतल इतनी ग्लैमरस, इतनी बढ़िया बनाई जाती हैं, उसके एडवर्टाइजमेंट में एक सुंदर नारी दिखाई जाती है, खूब बड़े बड़े रंग बिरंगे चीजें दिखाई जाती हैं, सिगरेट के ऐड आते हैं, या जो वासना की चीजें हैं उनके बड़े एडवर्टाइजमेंट आते हैं, या जो जितनी भी ऐसी शिक्षाएं जैसे जो आपको नुकसान देने वाली हैं, जो आपको राग पैदा करने वाली हैं, जैसे भोजन की बहुत बढ़िया बढ़िया फोटो खींच के डाले जाते हैं, ये सारी चीजें फूल जैसी हैं जो आपको आकर्षित कर रही हैं और खींच रही हैं, ये मार के एजेंट हैं, ये दुखों की एजेंट है, आपको दुख देंगे इसलिए ये खींचते हैं। तो जैसे मारने के लिए, छेतने के लिए मार फूल की तरह आकर्षित करती है। ए दसनंग मच्चू राजस्य गच्छे, ए दसनंग का मतलब है कि दर्शन नहीं होना चाहिए, दिखाई नहीं देना चाहिए, कौन नहीं दिखाई देना चाहिए, मच्चू राजस्य यानी मृत्यु के राजा से, कौन, आप, गच्छे, गच्छे माने जो गच्छति होता है उससे गच्छे है, यानी कि इसका पास्ट टेंस है, यानी कि आप उसको नहीं दिखाई देने चाहिए मृत्यु राजा से, यानी कि जो मृत्यु है, जो मार है, उसके हाथ आप नहीं चढ़ने चाहिए, उसको दिखाई भी नहीं देने चाहिए। इसका मतलब है कि आप उसकी किसी भी चीज में नहीं फंसने चाहिए, ना उसके फूल में फंसने चाहिए जो उसको आकर्षित करता है, ना उसका राग में, ना उसके द्वेष में आप खींचने नहीं चाहिए, फंसने नहीं चाहिए। ये इसका सिंपल सा साधन है, सिंपल सा इसको बताया हुआ है। अगर आप इसको हिंदी में कहें या आसानी समझाएं तो इस प्रकार है कि जैसे
अपने शरीर को इस तरह से जानो जैसे बुलबुले हैं, और अपने जितना भी जो धम है पानी का वो मार्ची की तरह है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sangam.